मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के लोगों का वजीर आला चंद्रशेखर राव और उनके अकान खानदान से एतमाद उठ गया है। उन्होंने कहा कि लोग भूल गए हैं कि क्या रियासत में टीआरएस पार्टी थी। उन्होंने यकीन भी किया कि बीजेपी रियासत में टीआरएस पार्टी को खत्म कर देगी। वो जुमेरात को यादगिरी मंदिर के दौरे पर थे। उन्होंने दावा किया कि रियासत के लोगों ने तेलंगाना में बीजेपी को इख्तदार में लाने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की निगरानी में बीजेपी की हुकूमत चाहते हैं। यादगिरी श्री लक्ष्मी स्थान दर्शन करके हमारा गोनगिरी लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा पार्टी का एक्टिविटी करना है, आगे भी तैयारी करना है विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए। हम इधर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, विभिन्न तरह का हम एक्टिविटी इधर कर रहे हैं। मैं आज लक्ष्मी नरसिम्ह स्वामी दर्शन करके ये शुरू कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में लोग ये टीआरएस का, पहले का टीआरएस था, टीआरएस नाम भी भूल गए, टीआरएस का जो सरकार है केटीआर के और उनकी फैमिली के नेतृत्व में, उसके ऊपर पूरा भ्रम निरसन हो गया है, पूरा डिसइल्यूजन हो गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्ह स्वामी हम सब लोगों को काम करने के लिए आशीर्वाद देंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। भ्रष्ट और परिवारवाद जो सरकार है उसको पूरे से पूरे खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छे और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ ये नया सरकार इधर भी आएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में।